हेलो दोस्तों, आइए हम लोग आज तिलोई के राजा का किला दिखाते हैं आपको। बहुत ही अच्छा लगा था, हम गए थे आज तिलोई के किले। यहाँ पे की डिजाइन वजाइन यहाँ पे देखिए, अभी भी कहते हैं यहाँ पे राजा रहते हैं, जो मंत्री हो चुके हैं तो लखनऊ में रहते हैं, तो उनकी माता जी और यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, तो अंदर तो जाने नहीं देते हैं, बट हम बाहर से ही देख ले रहे हैं, अंदर तो जाने नहीं देते। वहाँ की पहले की खिड़कियाँ उड़कियाँ देखिए, कितना अच्छा लग रहा था। कहते हैं कि वहाँ तिलोई के लोग वहाँ पर जाते हैं, अपने यहाँ का मुंडन उंडन करवाते हैं। वहाँ की ये देखिए जो सामने दिख रहा है, यहाँ पर मुंडन संस्कार होता है, किसी भी मतलब गाँव वाँव के लोग आते रहते हैं तो यहाँ पर करवाते हैं, तो रानी लोग यहीं पर रहती हैं, इसके अंदर नहीं जाने देते हैं। जो सामने का गेट दिख रहा है, हम लोग बाहर से ही देख लिए थे, अंदर भी जानता नहीं जाने देते हैं, लेकिन एक लोग कज़न थी उनकी वजह से हम लोग अंदर जा चुके थे। तो बिल्कुल देखिए कितना अच्छा लग रहा था। कहते हैं यहाँ पर एक लड़का ख़त्म हो गया था वीडियो बनाने के चक्कर में, इसलिए वहाँ पर पाबंदी लगा दी गई थी जाने के लिए। वहाँ की देखिए कितनी गजब गजब की खिड़कियाँ, 800 साल पुराना है। मैं और मेरे हस्बैंड गए हुए थे अंदर, अब हम लोग क्या अंदर देख चुके थे, तो देखते देखते हम लोग आए थे, पूरा घूमे थे, बहुत अच्छे से घूमे थे, ऊपर नहीं जाने दिए थे, ऊपर नहीं गए थे। यहाँ के देखिए कितनी नक्काशी कितनी अच्छी बनी थी। यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे जिसने इसके किले को बनाया था, किले का निर्माण किया था, उसका हाथ भी कटवा दिया गया था, उसकी मूर्ति भी लगी हुई है पीछे साइड में, उसकी मूर्ति बनवाई गई है, एक हाथ कटा हुआ है उसका। तो हम लोग बस बिल्कुल देखते देखते आ गए थे, कहाँ पीछे की तरफ आ गए थे। अब पीछे की तरफ देख लेते हैं कि हर एक डिजाइन को देखा देख देख कर वीडियो बनाते हुए निकल लिए थे। ये पीछे का साइड है, नहीं ये आगे से देख कर, ये पहला है, पहला वाला गेट मेन गेट यही है, फिर वहाँ से हम लोग कुछ पेट पूजा कर लें तो उसके बाद फिर जाएंगे पीछे की तरफ देखने के लिए। अब ये है पीछे का हिस्सा, यहाँ के देखिए डिजाइन देखिए, नक्काशी देखिए, ये है वहाँ का सगरा। यहाँ पर मगरमच्छ बहुत रहते थे पर अब नहीं है, अब यहाँ पर केवल मछलियाँ हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने अशोक के पेड़ उड़ा लगवाई हैं, जो रानी रहती हैं यहाँ पर उन्होंने ही काफ़ी पौधे वौधे लगवाए, वरना इसके पहले कुछ भी नहीं था। तो वहाँ रानी के रहते रहते अपने उन्होंने कुछ पेड़ पौधे लगा दिए। सगरम देखिए खूब मछली भी दिख रही थी यहाँ पे, ये देखिए सामने बहुत सारी इकट्ठे थी चल रही थी, तो हमने वीडियो चुपके से वहाँ से भी बना लिया था। फिर आ गए थे हम पीछे की तरफ, यहाँ पर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे हम लोग अंदर की तरफ गए थे, अब यहाँ पर है जहाँ पर राजा साहब की भैंस बांधी जाती है, यहाँ पर खेत भी है पीछे, ये पीछे का हिस्सा है। इस दर है ये, तो यहाँ पर जनरेटर वगैरह लगा हुआ है, तो यहाँ पर आइए दिखाते हैं आप लोगों को, पीछे पीछे फिर चलते हैं। यहाँ पर जनरेटर रखा हुआ है, बस अब आइए आगे। यहाँ पर है खेत, पीछे की तरफ खेत है, वहाँ से पर अभी हम लोग जा रहे थे रानी से, वहाँ पर आंटी थी मेरी जो साथ में कज़न गई हुई थी, वो बोल रही थी कि चलो रानी साहब से मिलवा देते हैं। ये है इधर तिलोई राजभवन, किसकी है यहाँ पर वैसे आपातकालीन खिड़की जो पहले रखी जाती थी कि कोई हमला कर दे तो वहाँ से निकला जा सके। तो ये देखिए यहाँ पर इधर साइड में ही रानी रहती हैं, रात में अपना आती हैं, घूमती टहलती हैं। यहाँ पर हम वीडियो बना लिए थे, पेड़ ओड़ भी काफ़ी लगवा दी हैं रानी, यहाँ पर लगवा दे रहे हैं, आने जाने में अच्छा लगता। अब हम लोग गए थे यहाँ पर पीछे की तरफ, पीछे देखिए यहाँ पर एकदम वीरान हो चुका है, लेकिन अंदर का हिस्सा अभी भी अच्छा है। ये है दरवाज़ा, पीछे साइड में अगर कोई हमला कर देता था तो यहाँ से पीछे से निकल जाते थे। ये है सगरा, यहाँ भी मछलियों का पालन किया गया है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वहाँ पर मछलियाँ पालते हैं। पीछे का किला है देख लीजिए, अब इधर से राजा का खेत वो था, फिर हम लोग आ गए धीरे धीरे, सोच रहे थे अब निकल लेते हैं घर के लिए, टाइम बहुत ज़्यादा था, बेटा घर पर छोड़ दिए थे इसी काम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें।